नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में मैं एक बार फिर से उपस्थित हो गई हूं। तो सबसे पहले निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। हिंदुस्तान, इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से बात की जाएगी लॉरेंस बिश्नोई की, उसकी हिट लिस्ट की, माया नगरी मुंबई की और ऑब्वियसली मिस्टर सलमान खान की। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और उसके बाद से भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी भय के घेरे में आ गई। और इस भय में जो सबसे ज्यादा चिंतित है वो है सलमान खान का परिवार, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम बहुत लंबे समय से है। सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने फायरिंग भी करवाई थी एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि लॉरेंस और सलमान के बीच जो लड़ाई है वो बड़े लंबे समय से चली आ रही है और दुश्मनाई का कारण है काला हिरन का हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार यह भी कहा गया है कि या तो सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग ले या फिर हम उनको खत्म कर देंगे। जब से गोलीबारी हुई थी सलमान के घर के बाहर, तब से सिक्योरिटी उनको दी गई थी और अब सलमान खान की जो Y+ सिक्योरिटी है उसको और भी टाइट कर दिया गया है। सलमान खान का घर अर्थात गैलेक्सी अपार्टमेंट, सलमान खान का फार्म हाउस और सलमान खान की जो शूटिंग लोकेशन है, खासतौर पर बिग बॉस का जो सेट है, वहां के चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सलमान खान से अब लोगों के मिलने पर भी एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और परिवार का चिंतित होना लाजमी सी बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि सुरक्षित रहे सलमान खान, दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहे। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई से जेल के अंदर पूछताछ करी थी। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से लगातार जेल के अंदर बंद है और जब NIA ने पूछताछ करी थी तो लॉरेंस ने बकायदा अपनी हिटलिस्ट को उनके साथ साझा किया था। टोटल 9 नाम उन्होंने बताए थे, जिसमें से 8 नाम गैंगस्टर्स के हैं और एक नाम किसी गैंग का नहीं है, वो है मिस्टर सलमान खान का। अब एक और बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, जो अभी खूब फैल रही है चारों तरफ, वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई का स्लीपर सेल मुंबई में सलमान के खिलाफ एक्टिव हो चुका है और ऑलमोस्ट 70 जो शूटर्स हैं वो मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पहुंच चुके हैं सलमान खान के खिलाफ काम करने के लिए। और ये जो खबर है वो इसलिए भी फैल रही है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है वो वही व्यक्ति है जो इस पूरे स्लीपर सेल का हेड था, सरगना था। और उसके फोन को जब उन्होंने जब्त किया, उसके फोन में से उसकी व्हाट्सएप चैट निकाली तो कई चीजें उसमें से निकली, जिसमें यह भी खुलासा हुआ है कि आपस में कई लोग बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे 50 लोग मुंबई में हैं, तो दूसरा कहता है कि 50 नहीं 60 लोग हैं। और उसके बाद ये व्यक्ति जो शूटर गैंग का हेड है वो कहता है कि हमारे टोटल 70 लड़के मुंबई के अंदर हैं और एक से बढ़ के एक शूटर है। तो ये जो खबर है इसके बाद ऑब्वियसली चिंता बढ़नी लाजमी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूं कि जो सरकार है इस वक्त मुंबई के अंदर और उसके जो मुखिया हैं एकनाथ शिंदे जी यानी CM है जो महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया कि किसी प्रकार की गैंग वॉर यहां नहीं चलेगी और जो भी कोई इस प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस लगातार एक्शन में है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को भी मारा उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो स्लीपर सेलेक्टिव होने की बात चल रही है उसका जो हेड है उसकी भी ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और साफ कर दिया है मिस्टर शिंदे ने कि भाई ये सब चीजें नहीं चलेंगे हमारे रहते मुंबई के अंदर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई चीजें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। इस समय जो मोस्ट सर्च्ड व्यक्ति है गूगल में वो है लॉरेंस बिश्नोई। मैंने भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत चीजें जानने की कोशिश करी और खास तौर पर तब जब कनाडा वालों ने भी अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना आरंभ कर दिया,
मैंने कल शाम को एक लाइव किया था जिसमें बताया कि किस प्रकार से कनाडा का जो की जो सरकार है और जस्टिन ट्रूडो है वो कह रहे हैं कि निज्जर जो खालिस्तानी था, आतंकी था, उसको कनाडा में मारने वाला और अज्ञात व्यक्ति कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई था। पिछले एक साल से बोल रहे हैं कि भारत वालों ने निज्जर को मरवाया है और हमारे पास उसके सबूत है, सिर्फ बोल रहे हैं। और भारत सरकार लगातार बोलती रही है कि अगर सबूत है तो सबूत सार्वजनिक करो, सबूत दो, सबूत दिए नहीं। और अब बोल रहे हैं कि वो जो सबूत है वो ये है कि वो व्यक्ति, वो अज्ञात लॉरेंस बिश्नोई। तो पिछले इतने समय से इनकी जुबान को लकवा मारा हुआ था कि अब ये बात बोल रहे हैं। पर खैर, इन्होंने जो हरकत करी है उसका खामियाजा तो कनाडा को भुगतना ही पड़ेगा, इनको बड़ा आर्थिक नुकसान भी होने वाला है, वो तो अलग बात। लेकिन भारत ने अपने हाई कमीशन और जो तमाम बाकी लोग हैं उन सबको वहां से विड्रॉ कर लिया है और यहां पर उनके जो लोग हैं उनको बोल दिया है गेट आउट, निकल जाओ। और 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले बोला है अपना बोरिया बुस्तरा निकालो कनाडा वालों और फुट लो यहां से, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए। लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा है तो भाई निज्जर को भी लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। और जब मैंने ये खबर सुनी तो क्यूरियोसिटी जागी मेरी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ज्यादा जानने की, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड भी जो हुआ है उसमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने ये कहते हुए कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूं, इस हत्याकांड की जिम्मेदारी हम लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और कोई ऐसे आधिकारिक पुष्टि अभी तक कहीं से हुई नहीं, पर यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड के पीछे है। और लॉरेंस और सलमान और बाबा सिद्दीकी बड़े करीबी थे, इसलिए सलमान की जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप भी कर दिया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है ना एक पहेली की तरह बनता चला जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब मैंने खोजा तो मैंने उसको देखा भगत सिंह जी के जैसे गीत गाता है, अपने कमरे में पीछे भगत सिंह जी की फोटो लगाता है, अपने हाथ में भगवान श्री राम जी का टैटू बनाता है, शहीद भगत सिंह जी जैसी मूछे रखता है, सेना को सलाम करता है, सेना का सम्मान करता है, शहीदों का सम्मान करता है, लेकिन है गैंगस्टर। अब कई लोगों की कई प्रतिक्रियाएं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आ रही हैं, परंतु जो भी सत्य होगा, जो भी तथ्य होगा, वो सारी चीजें बाहर निकल करके आएंगी। कनाडा वाले जो इस बात को बोल रहे हैं, ऑब्वियसली भारत की सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इन्होंने हमारी तरफ ये जो उंगली झूठी उठाई है, ये उंगली को पकड़ के न केवल मरोड़ा जाएगा, इस उंगली का इलाज भी किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कनाडा और जस्टिन ट्रूडो जो नौटंकी कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने आप को आगे भी चुनाव जिताकर सत्ता में रखने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन सच सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज इसको शेयर करते हुए मेरे चैनल